नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जमकर तैयारियां शुरू कर दी। कई पार्टियों के गठबंधन के भी अटकले लग रहे हैं। सभी पार्टियों में हलचले तेज है। कई नेताओं को चुनाव के लिए टिकट चाहिए, जो कि सभी पार्टियों के लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि ये उनके लिए एक अहम मुद्दा है कि किसको उम्मीदवार चुना जाए और किसको इनकार किया जाए। वहीं टिकट को लेकर शिवपाल यादव के कार्यकाल में भी लोगों की लंबी कतार दिखी। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में जो लोग समाजवादी पार्टी का टिकट चाहते हैं, उनकी कतार सिर्फ सपा कार्यालय प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर ही नहीं लग रही, बल्कि बड़ी संख्या में टिकट चाहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव के कार्यालय पर भी पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो प्रसपा के समय शिवपाल यादव के साथ रहे। बाद में जब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का फिर से झंडा थामा तो ये लोग भी सपाई हो गए और अब ये लोग सपा के महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद का टिकट पाने के लिए अपना बायोडाटा लेकर शिवपाल यादव के पास पहुँच रहे हैं। दरअसल इन लोगों को उम्मीद है कि अब जबकि चाचा भतीजे फिर एक हो चुके हैं और शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो उनकी सिफारिश पर इन लोगों का भला हो सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों जगह सिफारिश लेकर पहुंच रहे हैं। सपा के टिकट पर लखनऊ से महापौर का चुनाव लड़ने की चाह रखने वाली अल्पना वाजपेयी शिवपाल यादव से मुलाकात करने पहुंची। अल्पना वाजपेयी प्रसपा में महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव थी। इसके अलावा लखनऊ के फैजुल्ला गंज वार्ड समेत अन्य जगह से लोग पार्षद के टिकट की चाह में शिवपाल यादव से उसी कैंप कार्यालय में मिलने पहुंचे जो कभी प्रसपा का कार्यालय हुआ करता था। शिवपाल यादव सुबह ही कार्यालय पहुंच गए थे और दोपहर तक यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सपा की टेंशन बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किसको खुश करे और किसको नाराज। अब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय तो सपा में कर लिया था, अब जब शिवपाल यादव के साथ उनके नेता और कार्यकर्ता भी सपा में शामिल होकर सपा को अपना चुके हैं, तो अखिलेश यादव को भी उन्हें अपने पार्टी का हिस्सा समझना होगा और चुनावी दाव उन पर भी लगाने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।